दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं विनय कुमार, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से। साथियों, मैं गांव में हूं और इस समय मैं मुथई के कई गांव में घूम रहा हूं। मुथई का जो है कम से कम 16 टोला है और 16 टोले हैं उन 16 टोलों पर मैं घूम करके और देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से गाँव है, गाँव के लोग कैसे हैं, गांव में लोगों का घर अभी इस साइड में लोगों का कैसा है, क्या लोगों का घर बन गया है या फिर लोग अभी भी गरीबी अवस्था में ही जीवन जी रहे हैं। तो तमाम सारी बातें हैं जिसको लेकर के हम लोग गांव में चक्कर लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गांव खूबसूरत जो मुथई के जो खूबसूरत जो गाँव हैं, टोले हैं, उनको आप लोगों तक मैं दिखला सकूँ। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखते हैं आगे क्या होता है। साथियों, ये जो पीछे जो कपड़े का मकान आप लोगों को दिख रहा है, तो ऐसा इसको देखने पर प्रतीत हो रहा है कि ये मकान जो है जमींदारी प्रथा के जमाने से है। हालांकि लोगों से बात किया गया तो लोग इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का मकान अपने उत्तर प्रदेश में बहुत कम दिखाई देता है। इस तरह के मकान अक्सर नेपाल में आप जब जाएंगे तो नेपाल में दिखाई देता है। तो आइए थोड़ा सा और गांव में चलते हैं, फिर देखते हैं। त्रिमुहानी का जो बांध है, तो उस बांध के किनारे से मैं गुजर रहा हूँ। देख सकते हैं इस साइड में वो जो दिख रहा है ऊंचा टीला टीला पूरा, वो त्रिमुहानी का साथियों ये बांध है टोटल। और त्रिमुहानी साइड से निकलते हुए ये मौलागंज के पीछे से ये गुजरती हुई चली जाती है। और लोगों ने बताया कि यहाँ इतना खतरनाक बाढ़ आता है कि लोग यहाँ लगभग डूब से जाते हैं और यहाँ जो है मेरे सर से भी ऊपर यहाँ जो है पानी बहता हुआ निकलता है। तो लोग यहाँ से भाग करके दूसरे गांव पर, दूसरे टोले में जा करके लोग शिफ्ट होते हैं, तब जाके यहाँ के लोगों की जान बचती है। साथियों, काफ़ी ख़तरनाक सा मंजर यहाँ पर दिखाई देता है। और ये जो चित्र जो दिखाई दे रहा है, ये मौका जिसको हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में, तो बाढ़ के मौसम में शायद पानी इसके अंदर भी एंट्री कर जाता है और यहाँ पर लोग बता भी रहे हैं। तो साथियों, इस समय मैं मुथई का एक टोला है जिसका नाम है कनवा दोयम। तो कनवा दोयम टोले पर हम हैं और देख सकते हैं यहाँ जो है ये बाढ़ वाला इलाका है, इसलिए इस साइड में भी एक पतली सी नदी टाइप का, या कह लीजिए पतला सा ये एक नाला टाइप का यहाँ से निकाला गया है ताकि यहाँ पर बाढ़ से लोगों को बचाया जा सके। साथियों, बाढ़ में यहाँ का भयानक मंजर होता है और महिलाओं ने बताया कि इतना खतरनाक यहाँ बाढ़ आता है कि लोगों को दूसरे टोले पर जा कर के शरण लेना पड़ता है, लोगों को दूसरे टोले पर जाके रहना पड़ता है, तब जा कर के लोग यहाँ के बचते हैं। तो हालांकि ये पूरा इलाका जो है डूब जाता है, इसलिए यहाँ एक व्यक्ति नहीं रहता इस गाँव में, क्योंकि जो रहता है वो डूबता है। साथियों, आज का ये ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कम से कम एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और यदि बेहतर लगा हो, बढ़िया लगा हो, अगर मन को टच कर गया हो, तो
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो आल वाला जो नोटिफिकेशन है उसे आप ज़रूर जो है सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का ये ब्लॉग वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। ये मुथई गांव आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो ये ब्लॉग वीडियो मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्ते, सलाम, आदाब।